सो गाइस, ये कौन बोलता है कि YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का जो है ट्रिक नहीं होता है या फिर सेटिंग नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा। इस ग्राफ को देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है ग्राफ है सब्सक्राइबर का, जो मेरे चैनल का है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर मिले, 226। एक दिन में कितने सब्सक्राइबर मिले मुझे, 226। यानी कि दिसंबर 31 दिसंबर को मुझे कितने सब्सक्राइबर मिले थे, 226। ठीक है, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कितने सब्सक्राइबर मिले, 414 सब्सक्राइबर। फिर मैं देखता हूँ, ये मुझे 7 जनवरी को मिला है 414 सब्सक्राइबर। ठीक है, फिर से मैं देखता हूँ, एंड यहाँ पे 18 जनवरी को कितने सब्सक्राइबर मिले हैं, 68 सब्सक्राइबर। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो आपका जो ग्राफ है सब्सक्राइबर का वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब आप लोग सोचो अगर यहाँ तक पहुंच गया तो कितने सब्सक्राइबर बनेंगे। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि एक दिन में, एक एक दिन में कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं एक सेटिंग को ऑन करने के बाद। और आप लोग बहुत सारे लोगों में से ये बोलते हैं कि भाई सेटिंग नहीं होता यूट्यूब का। ठीक है, सेटिंग होता है, अगर आप लोग सही तरीके से करते हो उस सेटिंग को ऑन, तो आप लोग को भी सब्सक्राइबर एक दिन में इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोग को इसका ग्राफ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ग्राफ जो है कितना डाउन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो ग्राफ है कितना डाउन चल रहा है। उसके बाद अचानक से ये जो ग्राफ है इतना ऊपर कैसे उड़ गया, आप लोगों ने कभी सोचा कि इतना ऊपर कैसे उड़ गया भाई ये ग्राफ सब्सक्राइबर का, मतलब एक एक दिन में इतने सब्सक्राइबर आप लोगों को कैसे मिल गए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें मुझे एक दिन में कितने सब्सक्राइबर मिले। ठीक है, लास्ट में क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस सेटिंग को पहली बार जब मैंने ऑन किया इस सेटिंग को, तब मुझे यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितने सब्सक्राइबर मिले, यहाँ पे मुझे कितने सब्सक्राइबर मिले जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है इस सेटिंग को ऑन किया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 991 सब्सक्राइबर एक दिन में मिला, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर के करीब हम लोग को एक दिन में जो है मिला। ठीक है, इस सेटिंग को जब फर्स्ट टाइम मैंने ऑन किया, उसके बाद मैंने सेकंड टाइम जब ऑन किया, ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि सेकंड टाइम में मुझे कितना मिला। सेकंड टाइम में देख सकते हो 2475 सब्सक्राइबर यहाँ है भाई, 2475 सब्सक्राइबर, यानी कि दो चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो, उससे ज्यादा सब्सक्राइबर हम लोग को मिले हैं। 2475 सब्सक्राइबर यहाँ नहीं होते हैं एक दिन में। ठीक है, यानी कि रात को उस सेटिंग को ऑन करके सो जाओ एंड सवेरे देखोगे तो भाई आप लोग का जो चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेगा। ऐसा सेटिंग मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो प्लीज आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर देते हो तो कभी भी आप लोग का जो 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर वही घिसे पिटे तरीके से काम करोगे, वही यार मतलब 0 से 10 व्यूज आएंगे एंड सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग का सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, कहाँ कहाँ पे वीडियोस देख लिए हो लेकिन सब्सक्राइबर आप लोग का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखो, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ जो मैं सेटिंग बताऊंगा उसको करके आप लोग का जो सब्सक्राइबर है वो इजीली बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड आप लोग यहाँ पे लाइव देखो यार कि एक एक दिन में 2400 सब्सक्राइबर क्या पॉसिबल है बताओ, बिना सेटिंग के, बिना सेटिंग के एक दिन में 2475 सब्सक्राइबर, यानी कि 2500 सब्सक्राइबर के करीब जो है एक दिन में, ये पॉसिबल है? नहीं है। जब तक सेटिंग नहीं करोगे तब तक आप लोग का इतना सब्सक्राइबर कभी मिलेगा ही नहीं एक एक दिन में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया जस्ट दिखाता हूँ। उसके बाद जो है इस सेटिंग को मैंने ऑफ कर दिया उसके नेक्स्ट डे। ठीक है, ये हम लोग को कब मिला था, 7 फरवरी को। ठीक है, ये जो सेटिंग किया मैंने ये 7 फरवरी को किया था एंड सब्सक्राइबर कितने मिले थे, 2475। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है 7 फरवरी 2024 को 2475 सब्सक्राइबर मिला था। जब मैंने इसको 9 फरवरी के करीब, ठीक है, 10 फरवरी के जो करीब है, उसके बाद हम लोगों ने इस सेटिंग को ऑफ कर दिया, तब हम लोग को एक दिन में कितने सब्सक्राइबर मिले, यहाँ पे लाइव देखो 64 सब्सक्राइबर ओनली जो है, 64 सब्सक्राइबर एक दिन में। कहा एक दिन में 2475 सब्सक्राइबर और कहा एक दिन में 64 सब्सक्राइबर। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंट है इस सेटिंग को अगर ऑन करते हो, अगर इस सेटिंग को ऑफ रखते हो, ठीक है, कितना ज्यादा डिफरेंट सोच सकते हो यार, मतलब हजारों का डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को मिस मत करना। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इस तरीके का जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताऊंगा और एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोगों का जो सब्सक्राइबर है यू बढ़ेंगे चुटकियों में। ठीक है, तो प्लीज मिस मत करना इस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूं आप लोगों को, सबसे पहले तो जो चीजें मैंने किया है उसका मैं प्रूफ दिखाता हूं। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला हवाबाजी में, इससे मैं यूट्यूब से मैं पैसे भी कमा रहा हूं, तभी जाके आप लोग यूट्यूब पे मैं बताता हूँ। ठीक है, इस चैनल के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्राफ है वहाँ पे मेरा कितना डाउन हो चुका था फिर से। ठीक है, यानी कि फिर से जैसे मेरा ग्राफ चला था यहाँ पे, जो भी मुझे यहाँ पे 400-300 सब्सक्राइबर मिले थे, उसके बाद यहाँ पे मुझे अचानक से जो है इतने सब्सक्राइबर मिल गए, मतलब इतना ज्यादा जो है ग्राफ मेरा ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से डाउन हो चुका है। ठीक है, ग्राफ उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, तीसरी बार जब सेटिंग को ऑन किया यहाँ पे, फिर से मुझे यहाँ पे एक दिन में कितने सब्सक्राइबर मिले, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक एक दिन में कितने सब्सक्राइबर मिले हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एंड एक दिन में यहाँ पे देख सकते हो, जब मैंने तीसरी बार इस सेटिंग को ऑन किया, एक दिन में कितने सब्सक्राइबर मिले, 1483, यानी कि 1500 के करीब सब्सक्राइबर मिला सिर्फ एक दिन में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से इस सेटिंग को मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है,
एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कितना सब्सक्राइबर मिला 613। ठीक है, मतलब धीरे धीरे कम होते गया। उसके बाद जब मैंने सेटिंग को ऑफ रखा उसका देखो कितना डाउन, 35, 22, ठीक है, 37, 40, मतलब 50 सब्सक्राइबर भी ये कंप्लीट नहीं हो रहे थे इस सेटिंग को जब मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस सेटिंग को कैसे ऑन करना है, ठीक है, और जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से मेरा जो वीडियोस है वो वायरल हुआ है। ठीक है, एंड सबसे पहले तो आप लोग साइड में देखो ये वाली वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कितने व्यूज है, 3,03,000। अभी आप लोग वीडियो को स्किप करने के लिए जाना चाहोगे बट वीडियो को स्किप करके मत जाना, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो सेटिंग मैंने किया है। ठीक है, जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस वीडियो को क्लिक करता हूँ इस वीडियो में व्यूज कितना है, 3,03,000 व्यूज है। उसके बाद यहाँ पे वॉच टाइम कितना मिला है, एक वीडियो से 15,000 घंटे का वॉच टाइम मिल चुका है। एंड रेवेन्यू इससे कितना हुआ है, इससे मैंने कितना पैसा कमाया है, $77 के करीब, यानी कि $78 जो है इस वीडियो से मैंने कमाया। इसे आप लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना जो कि होंगे 6,000 से 7,000 के करीब, एक वीडियो से 6,000 से 7,000 कमाया है मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वीडियो को जस्ट यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और एनालिटिक्स में यहाँ पे मैं जाके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कितने व्यूज है और यहाँ पे व्यूज का जो एल्गोरिथम है वो कैसे ऊपर भाग रही है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है व्यूज का जो एल्गोरिथम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रीच वाले ऑप्शन में जाता हूँ एंड इंप्रेशन देखता हूँ यूट्यूब ने कितना इंप्रेशन भेजा है, 2.7 मिलियन का जो इंप्रेशन है भेजा है। मुझे क्या देखना है, सब्सक्राइबर देखना है कि इस वीडियो से मुझे कितने सब्सक्राइबर मिले हैं। ठीक है, सिंपल से मैं क्या करता हूँ, ऑडियंस वाले सेक्शन में आता हूँ। जैसे ही मैं ऑडियंस वाले सेक्शन में आता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक वीडियो से हम लोगों को कितने सब्सक्राइबर मिले हैं, 1200। सिर्फ एक वीडियो से जो है हम लोगों को 1200 सब्सक्राइबर मिले हैं। अब आप लोग बोलोगे कि भाई एक वीडियो से जो है चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, तो आप लोग के सामने लाइव है इस वीडियो से हम लोगों को कितने वॉच टाइम मिले हैं, 15,000 के करीब वॉच टाइम मिल चुका है, यानी कि 16,000 के करीब है वॉच टाइम, 16,000 के करीब वॉच टाइम मिला है और 1200 के करीब जो है सब्सक्राइबर, 1200 तो 1200 हो गया सब्सक्राइबर। तो आप समझो यार एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, कितनी क्राइटेरिया का जो है वो जरूरत पड़ती है, 1000 सब्सक्राइबर की और 4000 घंटे की। लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा हो चुके हैं मेरा क्राइटेरिया, यानी कि एक ही वीडियो से जो है पूरा चैनल हम लोग का मोनेटाइज। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई एक वीडियो से जो है चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होता है, तो उसके आंखों में भाई ये देखो, आप लोग के सामने लाइव देखो कि एक वीडियो से जो है चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं, जो लोग ये बोलते हैं, तो आप लोग के सामने लाइव देखो एक वीडियो से चैनल मोनेटाइज होता है अगर आप लोग सही तरीके से काम करते हो तो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाना चाहूंगा जब मैंने क्या किया, इस सेटिंग को ऑन किया। ठीक है, सिंपल से मैं क्या करता हूं और यहाँ पे रेवेन्यू वाले सेक्शन में दिखाता हूं, जैसे कि मैंने रेवेन्यू दिखाया अभी आप लोगों को एंड इसका पैसा जो है कन्वर्ट, जैसे मैंने बताया अभी कन्वर्ट करके कि कितना होगा, 7,000 से 8,000 के करीब होगा एक वीडियो का कमाई। ठीक है, जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैग जाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं बैग जाता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे यूट्यूब पर दिमाग लगाया एंड सोचा कि यूट्यूब मुझे क्या कह रहा है। ठीक है, यूट्यूब का जो है एल्गोरिथम मैंने पढ़ा एंड उसको समझा कि यूट्यूब हमें क्या कह रहा है एंड किस तरीके से वीडियोस बनाने को बोल रहा है, फिर उसको मैंने समझाया, फिर उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर जो बढ़ने लगे, भाई मत ही पूछो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर, एक दिन में 2,475, 1,000, 2,000 कुछ इस तरीके से जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, अब सिंपल से क्या करता हूँ, ये वीडियो, ठीक है, ये वाली जो वीडियोज है उसके बाद ये वाली वीडियोज है उसी के जैसा मैंने सेम बनाया। ठीक है, जो वीडियोज मेरी वायरल गई है उसको मैंने क्या किया, ये वीडियो जो है मेरी बहुत ज्यादा वायरल जा रही है एंड ये वीडियो जो है मेरे ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है, इसका मैं कॉपी करता हूँ, इसको और एक बार बनाता हूँ दूसरी टाइप के, मतलब उसी तरीके का जो वीडियोस हम लोग को बनाना है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग कॉन्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टेंट सेम रहेगा लेकिन कुछ उसमें अलग चीजें होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने सेम ट्राई किया एंड सेम इसमें भी व्यूज कितने आ गए, 2,49,000, यानी कि 2.5 लाख के आसपास व्यूज जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने सेकेंड वीडियो छोड़ा वो भी हम लोग की जो वीडियो है वो वायरल हो गई। ठीक है, ये होती है एक सेटिंग, ये होती है एक ट्रिक। ठीक है, ये होती है दिमाग की, किस तरीके से आप लोग को यूट्यूब के जो एल्गोरिथम है उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग का जो वीडियो है वायरल होगा और एक एक दिन में 1,000, 2,000, 1,200 सब्सक्राइबर मिलेंगे, 2,475 सब्सक्राइबर मिलेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को लाइव दिखाया, मेरे सब्सक्राइबर का जो एल्गोरिथम है, ग्राफ्स है, वो मैंने दिखाया आप लोग को। ठीक है, अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो में जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा कि एक वीडियो से जो है मेरा चैनल मोनेटाइज। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 2,49,000 व्यूज है, लाइव देखो यहाँ पे कितने व्यूज है, 2,49,000, यहाँ पे देखो 2,49,000 है, 2,49,000 है, यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी मोबाइल में स्क्रीन दिखा रहा हूँ और मोबाइल में कुछ अलग दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ अलग चला रहा हूँ। ठीक है, तो मोबाइल में जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, 2,49,000, जस्ट मैं रीच वाले ऑप्शन में आता हूँ एंड रीच कितना भेजा है यूट्यूब ने, 2.3 मिलियन, यानी कि 23 लाख लोगों तक भेजा है यूट्यूब ने इंप्रेशन। ठीक है, अब मैं सिंपल से ऑडियंस वाले सेक्शन में जाऊंगा एंड उसके बाद जो है एंगेजमेंट वाले ऑप्शन में जाऊंगा, क्योंकि हम लोग को देखना है यहाँ का वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर। ठीक है, सिंपल से मैं एंगेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ एंड जैसे ही मैं एंगेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ एंड यहाँ पे देखना कि एक वीडियो से हम लोगों को कितने सब्सक्राइबर मिले हैं एंड कितने वॉच टाइम मिले हैं।
एंड यहाँ पे देख सकते हो एक वीडियो से कितने वॉच टाइम मिले हैं, 11,000 घंटे का वॉच टाइम मिल चुका है। एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, यानी कि इससे हम लोग दो चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जाते हैं हम लोग ऑडियंस वाले सेक्शन में। ये वाला ऑडियंस वाला जो सेक्शन दिख रहा होगा आप लोगों को, सिंपल से करते हैं इसमें क्लिक और देखते हैं कि एक वीडियो से, इस वाली वीडियो से जो है मैंने कॉपी पेस्ट किया, मतलब जो पिछली वाली जो वीडियो मेरी वायरल गई उसी की तरह मैंने और एक वीडियो बनाया और इसमें सब्सक्राइबर कितने मिले हैं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक वीडियो से जो है आप लोग का चैनल मोनेटाइज, लाइव प्रूफ 1000 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे देखो लाइव देखो 1000 है। ठीक है, तो एक वीडियो से जो है मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। एंड आप लोग को समझ में आया कि मैंने क्या बताया आप लोग को? अब अभी देखो मैं आप लोग को क्या बताता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं बैक जाता हूँ। देखो यार मैंने क्या किया, अपनी ऑडियंस की जो पसंद है वो जाना एंड उस सेटिंग को समझा। ठीक है, जैसे ये वीडियो मेरी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने क्या किया कि ये वीडियो जब मेरी ऑडियंस को पसंद है, जब मैं उसी तरीके का जो वीडियो से और भी बना लेता हूँ तो वो भी वीडियो मेरी वायरल जाएगी, जैसे ये वीडियो मेरी वायरल गई। ठीक है, क्योंकि ये ऑडियंस की पसंद है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से इस वीडियो को बनाया, उसके बाद ये भी वीडियो मेरी वायरल चल गई एंड एक एक दिन में इससे मुझे इतने सब्सक्राइबर मिले, इससे मुझे इतने सब्सक्राइबर मिले, इससे मुझे इतने व्यूज मिले। ठीक है, कि क्या ही बोलूं, और इसका अर्निंग भी दिखा दिया मैंने कि कितना एक एक वीडियो से अर्निंग हुआ है। अभी मैं इसका अर्निंग नहीं दिखाया लेकिन इसका अर्निंग देखोगे ना आप लोग हैरान हो जाओगे कि इतना व्यूज इसमें कम है लेकिन इसका अर्निंग बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू वाले सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ पे देखो अर्निंग कितना है, $82, जबकि इससे पिछली वाली वीडियोस मैंने दिखाया जो कि इससे ज्यादा व्यूज है, 50,000 ज्यादा व्यूज है लेकिन उसमें अर्निंग कम है क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। जब मैंने उस वीडियो को बनाया उसके बाद जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया एंड ये मेरा जो चैनल मोनेटाइज होने के बाद इस वीडियो को मैंने अपलोड किया तभी जाके ये मेरा वीडियो वायरल गई है और इसमें ज्यादा डॉलर बने हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो को डिटेल के साथ आप लोगों को मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आप लोग अपने सेटिंग को ऑन करके, अपने दिमाग लगा करके कि इस सेटिंग को ऑन करना है और इस तरीके से मेरे व्यूअर्स को पसंद है, इस तरीके का जो कंटेंट है मेरे व्यूअर्स को पसंद है तो ऐसा ही कंटेंट आप लोग को बनाना है। जस्ट एक से दो दिन के अंदर आप लोगों का जो सब्सक्राइबर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा एंड व्यूज भी आएगा एंड वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद अपने चैनल को आप लोग मोनेटाइज भी कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग को यूट्यूब का जो सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा एंड उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो एंड उससे पैसे कमा सकते हो जैसे मैं कमाता हूँ। ठीक है, सो आई होप गाइस मैंने पूरे डिटेल के साथ आप लोग को समझा दिया होगा एंड मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।